ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 18/9/16 और आज हम सुनेंगे हम सभी को विजयी बनाकर अपने गले की विजय माला के मन के बनाने वाले प्यारे प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली। तारीख है 16/11/81। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है विजय माला में नंबर का आधार। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो परीक्षा ली जाती है, तो परीक्षा आधार होती है हमें एक कक्षा से दूसरी कक्षा में उन्नति की ओर ले जाने के लिए। तो विजय माला में भी नंबर का आधार क्या है, आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं। तो आज बाप दादा अपने सिक्की लदे श्रेष्ठ आत्माओं से फिर से मिलने आए हैं। हाँ, बाप दादा का प्यार तो हम बच्चों पर बरसता ही रहता है। तो बाबा कहते तुम मेरे सिक्की लदे श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो आज फिर से आप बच्चों से बाप मिलने आए हैं। याद आता है कि इसी समय इस ही रूप में कितनी बार मिले हो, बाबा हमें याद दिला रहे हैं। कहते हैं मीठे बच्चे आपको याद आता है कि अभी जिस रूप में हो उस ही रूप में आप कितनी बार बाप से मिले हो। अनेक बार मिलन की स्मृति स्पष्ट रूप में अनुभव में आती है। हर कल्प में हम मिलते रहते हैं और मिलते ही रहेंगे। तो बाबा कहते ये स्मृति स्पष्ट रूप में आती है, या फिर ज्ञान के आधार पे कह देते हैं हाँ, क्या स्मृति को खींचना पड़े, नहीं अनुभूति क्या कहती है। आगे बढ़ते हैं, नॉलेज के आधार पर चक्र के हिसाब से समझते हो व अनुभव करते हो। जितना स्पष्ट अनुभव होगा उतना ही श्रेष्ठ व समीप की आत्मा होंगे। बाबा कहते हैं जितने अनुभव में आप मिलन को स्पष्ट अनुभव करेंगे उतने आप बाप दादा के समीप रत्न हो, ऐसा सिद्ध होगा। वर्तमान सर्व प्राप्ति और भविष्य श्रेष्ठ प्रालब्ध की अधिकारी आत्मा होंगे। हाँ बाबा बहुत गुहराज बताते जा रहे हैं। एक तो यदि ये स्मृति स्पष्ट होगी तो हम समीप की आत्मा बनेंगी, सर्व प्राप्ति और भविष्य श्रेष्ठ प्रालब्ध की हम अधिकारी आत्मा होंगी। फिर अपने आप को इस ही अनुभव के आधार पर आप जान सकते हो कि मुझ आत्मा का विजय माला में कौन सा नंबर है। अगर अनुभूति स्पष्ट होगी तो नंबर भी अपना माला का स्पष्ट होगा। वर्तमान समय बाप दादा भी बच्चों के पुरुषार्थ और प्राप्ति के आधार पर नंबर वार याद करते, अर्थात माला और यादगार रूप की विजय माला जिसको वैजयंती माला कहते हैं। तो दोनों मालाओं में मेरा नंबर कौन सा है ये जानते हो। एक नंबर में हम कितने आए वो माला, दूसरी हम विजय माला में आए तो हमारा नंबर कौन सा है। बाबा कहते हैं ये तुम स्पष्ट जानते हो स्वयं के लिए, अपने नंबर को स्वयं को जानते हो। वह ये कहेंगे कि बाप दादा सुनावे, आप स्वयं अपने अनुभव कर रहे हो अपने नंबर का अपनी विजय का, या फिर बाप दादा को आप कहेंगे कि नहीं बाबा आप सुनाइए हम किस नंबर में हैं और हम यादगार की माला में हैं या नहीं। बाप दादा तो जानते ही हैं,
मैटर। हाँ, बाबा को कहेंगे, बाबा तो फट से बताएंगे, लेकिन अपने आप को जानते जरूर हो। बाबा कहते हैं लेकिन आप भी जरूर जानते हो, बाहर से वर्णन करो न करो लेकिन अंदर से तो जानते हो ना। हाँ कहेंगे व ना कहेंगे, नेचुरली कोई भी बच्चा ना नहीं कहेगा, क्योंकि बाबा की विजय माला और यादगार माला के अंदर नंबर वार हम है तो सही। अभी अगर बाप दादा माला निकलवाए तो क्या अपना नंबर नहीं दे सकते? संकोचवश न सुनाओ वो दूसरी बात है, अगर नहीं जानते तो क्या कहेंगे? हाँ, बाप के गले की माला और हम उनके मन के, और हम कहें हमको नहीं पता, तो बाबा कहते हैं इसको हम क्या कहेंगे? औरों को चैलेंज करते हो, निश्चय और फकुर से कहते हो कि हम अपने 84 जन्मों की जीवन कहानी जानते हैं, ये कहते हो ना सभी? बाबा कहते हैं ऐसे सभी कहते हो ना? तो 84 जन्म में ये वर्तमान का जन्म सबसे श्रेष्ठ है ना? हाँ, ये भी तो हम कहते हैं कि ये हमारा अंतिम जन्म है और ये सबसे अधिक श्रेष्ठ जन्म है, तो क्या इसको जान नहीं सकते हो कि मैं कौन? हाँ, किस माला का दाना हूँ? इस पहेली को अच्छी तरह से जाना है ना? तो यह भी क्या हुआ, मैं कौन की पहेली जानने का हिसाब बहुत सहज है। बाबा कहते हैं मैं यादगार माला में या नंबर वार माला में, परंतु मेरा नंबर कितना, तो मैं कौन? तो बाबा कहते हैं ये पहेली बहुत सहज है और उसका हिसाब भी बड़ा सहज है। आइए बाबा सुनाते हैं क्या हिसाब है। एक है याद की माला, जितना स्नेह और जितना समय आप बाप को याद करते उतना, और उसी स्नेह से बाप भी आपको याद करते हैं। बाप दादा से नोट किया सभी ने, जितना स्नेह से प्यार से हम बाबा को याद करते हैं उतना बाप भी उसी स्नेह से उतना प्यार से हमें याद करते हैं। तो अपना नंबर निकाल सकते हो। अगर आधा समय याद रहता और स्नेह भी 50% का है व 75% का है, तो उस ही आधार से सोचो कि 50% स्नेह और आधा समय याद, तो माला में भी आधी माला समाप्त होने के बाद आएंगे। नेचुरली आधी माला जब पूरी होने पर आएगी तब आप उस आपकी प्रवेशता उस धागे के साथ होगी। अगर याद निरंतर और संपूर्ण स्नेह सिवाय बाप के और कोई नजर नहीं आता, ध्यान से सुने सभी, नोट भी करें, अगर याद निरंतर कभी आई कभी नहीं आई, परसेंटेज कभी ज्यादा परसेंटेज कभी कम, नहीं, निरंतर याद में ही लगन में मगन और संपूर्ण स्नेह, कैसा स्नेह कि सिवाय एक बाप के हमको और कोई नजर नहीं आता, सदा बाप और आप भी कंबाइंड हैं, तो माला में भी कंबाइंड दोनों के साथ साथ आप भी कंबाइंड होंगे। तो बाबा कहते हैं आप भी कंबाइंड रूप से, जैसे बाबा मम्मा कंबाइंड है या शिव बाबा ब्रह्मा बाबा कंबाइंड है, ऐसे आप और बाबा कंबाइंड होंगे, अर्थात साथ साथ मिले हुए होंगे, सदा सभी बातों में नंबर वन होंगे, तो माला में भी नंबर वन होंगे। जैसे लौकिक पढ़ाई में फर्स्ट डिवीजन सेकंड थर्ड होते हैं ना, वैसे यहाँ भी बाबा कहते हैं क्या भाषा में हम कहेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, महारथी, घोड़ेस्वार और पैदल, तीन डिवीजन है। हाँ, यहाँ पर भी फिर
तीन प्रकार हो जाते हैं। फर्स्ट डिवीजन यानी महारथी, वो क्या करते हैं, उनके लक्षण बाबा बताते हैं, निशानी बताते हैं, ध्यान से सुने, फिर स्वयं को चेक करना होगा। सदा फास्ट और उड़ती कला वाले होंगे महारथी, तीव्र पुरुषार्थी और सदा उड़ती कला वाले। फिर बाबा कहते हर सेकंड, हर संकल्प में बाप के साथ का, सहयोग का, स्नेह का वो अनुभव करेंगे। उनको हर पल हर संकल्प में क्या अनुभव आएगा कि बाप मेरे साथ है, मुझे बाप का सहयोग मिलता रहता है, मिल रहा है और मैं बाप को प्रिय हूँ, ये स्नेह का अनुभव करते रहेंगे। सदा बाप के साथ और हाथ में हाथ की अनुभूति करेंगे। सहयोग दो ये नहीं कहेंगे। जैसे कई बच्चे कहते हैं बाबा मुझे इसमें मदद करो, इसमें मदद करो, मुझे ये शक्ति दो, वो शक्ति दो, तो वो मांगेंगे नहीं, सदा स्वयं को संपन्न अनुभव करेंगे कि नहीं मैं तो शक्तिशाली हूँ, मुझे सिर्फ बाबा को याद करना है, उस साथी को साथ रखते हुए उसके श्रीमत का हाथ हाथ में रखना है। अच्छा, सेकंड डिवीजन घोड़े सवार, उनके लक्षण क्या होंगे? बाबा कहते हैं वो चढ़ती कला का अनुभव करेंगे लेकिन उड़ती कला का नहीं, वो चढ़ती कला के अनुभवी होंगे। प्रगति हो रही है उनकी, उन्नति भी हो रही है, पर उड़ती कला में है ऐसा अनुभव उनका नहीं। चढ़ती कला में आए हुए विघ्नों को पार करने में कभी ज्यादा कभी कम समय लगाएंगे, उन विघ्नों को हटाने में कभी उनको ज्यादा समय लगेगा, कभी कम समय लगाएंगे। उड़ती कला वाले तो ऊपर से ही क्रॉस करने के कारण ऐसा अनुभव करेंगे जैसे कोई विघ्न आया ही नहीं, विघ्न नीचे रह जाता है, वो उनके ऊपर से गुजर जाते हैं। विघ्न को विघ्न नहीं लेकिन साइड सीन समझेंगे। रास्ते के नजारे हैं और चढ़ती कला वाले, ये उड़ती कला वालों का बाबा ने बताया, ऊपर से ही गुजरेंगे तो साइड सीन समझेंगे विघ्नों को, और वो रास्ते के जैसे कोई नजारे देखता है ऐसे वो उनके लिए नजारे होंगे। और चढ़ती कला वाले क्या करेंगे? रुकेंगे, जैसे ही विघ्न देखेंगे तो रुकेंगे कि विघ्न है, वो विघ्न को महसूस करेंगे, इसलिए जरा सा लेस मात्र कभी कभी पार करने की थकावट व दिल शिकस्त होने का अनुभव करेंगे। थोड़ा मेहनत, थोड़ा थकावट, थोड़ा दिल शिकस्त का अनुभव होगा। अब बाबा सुनाते हैं तीसरी डिवीजन पैदल। तीसरी डिवीजन उसको तो जान गए होंगे, रुकना, चलना और चिल्लाना। चलेंगे भी परंतु चलते चलते रुकेंगे, और रुक करके क्या करेंगे? चिल्लाते भी रहेंगे। चलते चलते भी चिल्लाएंगे तो रुकते रुकते भी चिल्लाते रहेंगे, कभी चलेंगे कभी चिल्लाएंगे, याद की मेहनत में रहेंगे। जब देखो तब बाबा को याद करने की मेहनत में लगे रहेंगे, क्योंकि सदा कंबाइंड नहीं रहते, इसीलिए स्वतः ही बाबा की याद उनको नहीं आती। सर्व संबंध निभाने के प्रयत्न में रहते हैं, पुरुषार्थ में ही सदा लगे रहते हैं, वह प्रयत्न में रहते और वो प्राप्ति में रहते। कौन? चढ़ती कला वाले, और वो फर्स्ट डिवीजन वाले तो उड़ती कला वाले, दूसरों को देने वाले दाता। तो इससे अभी समझो कि मेरा नंबर कौन सा है। हर एक अपने से अभी पूछे और अपने दर्पण में देखे कि मेरा नंबर कौन सा है। माला के आदि में है अर्थात फर्स्ट डिवीजन में है, वह माला के मध्य में अर्थात सेकंड डिवीजन में, वह माला के अंत में अर्थात थर्ड डिवीजन में है। तो याद और विजय
दोनों के आधार से अपने आप को जान सकते हो। तो जानना सहज है व मुश्किल है? सहज हो गया तो हर एक का नंबर निकलवाएं। बाबा कहते रेडी हो, मैं नंबर निकलवाऊं बताऊं, निकाल सकेंगे ना? नहीं तो फिर आप बच्चे निकालो। तो बाबा कहते निकाल सकेंगे ना? तो मीठे मीठे बाप दादा ने माला के विषय में हम बच्चों से पूछा कि क्या मैं नंबर निकलवाऊं। आगे बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा सदा अमृत वेले से बच्चों की माला सिमरण करने शुरू करते हैं। हाँ, सुबह सुबह अमृत वेले से बाबा बच्चों को याद करते हैं। हर एक रत्न की व मणके की विशेषता देखते हैं। तो अमृत वेले सहज ही अपने आप को भी चेक कर सकते हो। याद की शक्ति से, संबंध की शक्ति से स्पष्ट रूहानी टीवी में देख सकते हो कि बाप दादा किस नंबर में मुझे सिमरन कर रहे हैं। उसके लिए विशेष बात क्या चाहिए जो ये हम स्पष्ट देख सकें? तो बाबा कहते हैं कि बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए। और लाइन क्लियर किसकी होगी? बाबा कहते जो एक बाप की याद में रहते होंगे निरंतर, उनकी ही लाइन क्लियर होगी, नहीं तो स्पष्ट देख नहीं सकेंगे। अच्छा, समझा मैं कौन हूँ? बाबा ने कहा अभी समझा कि कौन हूँ मैं। आगे बाबा कहते हैं अब तो समय की समीपता के कारण स्वयं को बाप के समान अर्थात समानता द्वारा समीपता में लाओ। बाबा कहते समीप आना हो बाप के तो क्या करना पड़े? बाप के समान बनना पड़े। तो समानता अपने में लाओ। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाप जैसे समान बनना अर्थात समीप आना। तो समीप बनेंगे, समीप आने के लिए समान बनना पड़े। तो समान किन किन बातों में बनेंगे वो बाबा ने बताया, संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा में। तभी बाबा कहते हैं कि आप बाप के समीप आ सकते हो, चाहे पीछे आने वाले हो चाहे पहले, लेकिन समानता से समीप आ सकते हो। इसलिए हर हालत में बाप के समीप जाने के लिए बाप समान हमें बनना ही है। अभी सभी को चांस है। बाबा कहते अभी कोई टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, तो अभी सबको चांस है। जो जितना भागना चाहे भागे, दौड़ना चाहे दौड़े, चाहे उड़ना चाहे तो उड़े। अभी सीट फिक्स की सीटी नहीं बजी है, अभी बाबा ने सीट का बुकिंग नहीं किया है और उसकी सीटी भी फिक्स सीट की सीटी नहीं बजी है। इसलिए जो चाहो वो बन सकते हो। जिस नंबर में सीट मांगेंगे या चाहेंगे वो हम ले सकेंगे। अभी टू लेट का बोर्ड भी नहीं लगा है। हाँ, अभी तो वो बोर्ड भी नहीं लगा है, इसलिए क्या करेंगे? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों है ना, और महाराष्ट्र का तो नाम ही है महा, महा है, महान है, तो महान ही हो गया ना। और मध्य प्रदेश की क्या विशेषता है जानते हो? बाप दादा की सेवा के आदि में पहली नजर मध्य प्रदेश की ओर गई, वहाँ बच्चों को भी भेजा था। तो सेवा के क्षेत्र में पहली नजर जब मध्य प्रदेश पर गई तो मध्य प्रदेश की सेवा में और सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने में, हाँ, मध्य प्रदेश में सेवा हुई, शुरुआत सेवा का प्रारंभ हुआ वहाँ से, तो उसका प्रत्यक्ष फल खाने में भी जरूर मध्य प्रदेश पहले नंबर में होगा ना, क्योंकि बाप दादा की विशेष नजर पड़ी।
हाँ, नजर पड़ी माना कितनी बड़ी बात। जहाँ नजर पड़ी वो नंबर वन नजर से निहाल हो गए ना, इसलिए दोनों ही महान हो। महाराष्ट्र भी महान है और मध्य प्रदेश भी नजरों से निहाल महान है। आगे बाबा कहते हैं कि महाराष्ट्र की विशेषता बताते हुए, महाराष्ट्र में बाप दादा के साकार में चरण पड़े। हाँ, बार बार मीठे मीठे साकार में ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ मुंबई में बॉम्बे में आते रहे। चरित्र भूमि भी महाराष्ट्र को बनाया, तो महाराष्ट्र क्या करेगा? महाराष्ट्र को तो डबल फल देना पड़ेगा। बाबा ने सेवा भी की, चरित्र भी वहाँ बनाया, सब कुछ वहाँ किया, तो डबल फल देना पड़ेगा। तो क्या डबल फल देंगे महाराष्ट्र वाले? देखे, पहले टच होता है कि क्या फल देना है। बाबा कहते पहले मैं देखता हूँ कि तुम महाराष्ट्र वाले बच्चों को ये टच होता है कि हमें क्या देना है। अगर टच नहीं होता तो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश नंबर वन में चला जाएगा, फिर वो नंबर वन होगा, महाराष्ट्र नंबर टू होगा। अब वो बाबा दो बातों का राज खोलते हैं, जो दो बातें टच नहीं हो रही थी। एक है वारिस और दूसरे है वीआईपी। महाराष्ट्र में वारिस भी बहुत निकल सकते हैं, वीआईपी भी बहुत मिल सकते हैं। तो वारिस भी निकालने हैं और वीआईपी भी निकालने हैं। ये है डबल फल। कहाँ वीआईपी निकलते, कहाँ वारिस निकलते। लेकिन महाराष्ट्र को क्या करना है? दोनों निकालने हैं, वारिस भी निकालने हैं और वीआईपी भी निकालने हैं। वारिस भी नामी ग्रामी हो, वारिस भी कोई ऐसा ना हो जिसकी नामना ना हो, नामी ग्रामी हो, और वीआईपी भी नामी ग्रामी, दोनों ही हाई क्वालिटी के हो। तो इसमें कौन नंबर वन लेगा, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? फॉरेन लेगा, बाबा फॉरेन वालों को देख रहे हैं, तो फॉरेन लेगा, महाराष्ट्र लेगा या मध्य प्रदेश लेगा? और भी ले सकते हैं। बाबा कहते हैं कोई ऐसा ना समझे कि बाबा ने इन तीनों का नाम लिया माना इन तीनों को ही लेना है। बाबा कहते नहीं, और भी ले सकते हैं, लेकिन आज तो सामने ये बैठे हैं ना, जो सामने बैठे हैं उनका नाम लिया। अच्छा, तो क्या सुना? जो ओटे सो अर्जुन गाया हुआ है ना, अभी मध्य प्रदेश ओटेगा अर्जुन बन के, वो फल पाएगा। महाराष्ट्र करेगा, महाराष्ट्र फल पाएगा। और यदि फॉरेन वालों ने किया तो वो नंबर वन जाएंगे। इसमें जो भी आगे जाए जा सकता है। अभी नंबर आउट नहीं हुए हैं, बाबा कहते अभी नंबर भी आउट नहीं किए हैं। इसलिए जो भी निमित्त बन नंबर वन आना चाहे वो आ सकते हैं। तो समझा क्या करना है, उसका साधन भी सुनाया। हाँ, बाबा ने समाधान पहले ही बताया कि उड़ती कला, चढ़ती कला नहीं लेकिन उड़ती कला, उसके लिए सदा डबल लाइट रहो। बाबा कहते लाइट रहेंगे तो उड़ सकेंगे, यह तो जानते ही हो ना, जानते तो सब हो, लेकिन अभी स्वरूप और अनुभव में लाओ। जो जानते हो ना उसके स्वरूप बनो, अनुभव में लाकर के स्वरूप बनो। अच्छा, ऐसे सदा बाप के साथी, हर संकल्प बोल और कर्म में बाप समान, अर्थात बाप के समीप रत्न, सदा स्वरूप और सफलता स्वरूप, विजय माला के समीप रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। गेटिंग अप एंड सिटिंग डाउन, द आर्ट ऑफ सीइंग, द
आर्ट ऑफ मूविंग। अभी हम सुनेंगे ऐसे बाप दादा से मीठा मीठा वरदान। तो वरदान क्या है? संगम युग पर हर कर्म, ध्यान से सुनिए, संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले, हाँ, साधारण कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कोई कलाबाज होता है ना, कला दिखाता है अपनी, ऐसे हर कर्म में कला दिखाई पड़े, कलाकार दिखाई पड़े, ऐसे 16 कला संपन्न भव। बाबा कहते हैं कि संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म का व गुणों का गायन होता है। 16 कला संपन्न अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे, कोई भी चलन में डिफेक्ट नहीं दिखाई पड़े, यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। जैसे साकार के बोलने चलने सभी में विशेषता देखी, तो ये कला हुई ना, उठने बैठने की भी कला, देखने की कला, चलने की भी कला थी, सभी में न्यारापन और विशेषता। हाँ, ब्रह्मा बाबा के विषय में बाबा बता रहे हैं। तो ऐसे फॉलो फादर कर 16 कला संपन्न बनो, साकार ब्रह्मा बाप को याद करते हुए और उनके गुणों पे, चरित्रों पे, शक्तियों पे चलकर और स्वयं को ऐसे 16 कला संपन्न बनाओ। स्लोगन है, पावरफुल वह है जो फौरन परख कर फैसला कर दे। अगर हम फैसला करने में समय लगाते हैं तो इसका मतलब हमारी परख शक्ति कमजोर है। तो इसीलिए हमें अपने को पावरफुल बनाना है, जिससे हम फौरन परिस्थिति, समस्या, व्यक्तियों को परख कर फौरन फैसला दे सके। अच्छा, ओम शांति।